Warm welcome to my channel, dear learners. आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ MCS 022, जैसे कि आप देख रहे हो 022 कोर्स का, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट एंड नेटवर्किंग मैनेजमेंट कोर्स है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज डिफाइन ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज इन द डिजाइन ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे कि आप देख रहे हो कि ये दिसंबर 2017 में क्वेश्चन आया था. तो आज अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ यही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका सेकंड पार्ट है दैट व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज इन द डिजाइन ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. लेट्स स्टार्ट. दैट इज डिफाइन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इसके बारे में क्या बताओगे कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स ऑब्लिक रिस्पॉन्सेज विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स. ये स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स में अपने रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है. ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. इट मीन्स कि अगर जो रिस्पॉन्स है वो स्पेसिफिक टाइम में चाहिए, इट मीन्स जैसे कि यहाँ पे गिवन है दैट रिस्पॉन्स विद इन स्पेसिफिक डेडलाइन जो है, इट इज द मेन कंसर्न ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. डियर लर्नर्स, आपने अपने माइंड में यही चीज रखनी है कि जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें डेडलाइन इम्पॉर्टेंट है, राइट? टाइम इम्पॉर्टेंट है. कई स्टूडेंट्स जो हैं वो रियल टाइम को टाइम शेयरिंग के साथ कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है. इन अदर वर्ड्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड फॉर रियल टाइम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस. अब रियल टाइम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होती हैं? जैसे ट्रैफिक में होती हैं, जहाँ पे इमीडिएट हमें जो है वो आंसर चाहिए. बैंकिंग है, राइट? या आप कह लो कि फ्लाइट रिजर्वेशन है, ट्रेन रिजर्वेशन है, जहाँ पे जो टाइम है वो एक कॉन्स्टेंट है. मीन्स जहां पे हमें इमीडिएट जो है वो रिस्पॉन्स चाहिए, राइट? दैट प्रोसेस डेटा एंड इवेंट्स दैट हैव क्रिटिकली डिफाइंड टाइम कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट पूछा गया है दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स हैं एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल, कमांड कंट्रोल, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, हार्ट पेसमेकर्स, नेटवर्क मल्टीमीडिया सिस्टम्स एंड रोबोट्स. देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स, लेकिन आप अगर ये भी दे दोगे तो सफिशिएंट है, राइट? नो, पेपर में आपको ये पूछा नहीं गया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. सो देयर आर 3 टाइप्स. इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है. फर्स्ट इज हार्ड रियल टाइम सिस्टम. ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें दैट क्रिटिकल टास्क आर कंप्लीटेड विद इन गिवन डेडलाइन. कि जो क्रिटिकल टास्क है वो गिवन डेडलाइन में, मींस गिवन रेंज ऑफ टाइम में कंप्लीट होनी चाहिए, राइट? सो एग्जांपल ऑफ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेडिकल इमेजिंग सिस्टम है, जिसमें इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम आता है, रोबोट्स आते हैं, वेपन सिस्टम आता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आता है. ये सारे जो सिस्टम्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? हार्ड रियल टाइम सिस्टम, जिसमें क्रिटिकल टास्क को ये सारे सिस्टम फुलफिल करते हैं और वो क्रिटिकल टास्क जो है वो गिवन डेडलाइन में कंप्लीट होना चाहिए. डियर लर्नर्स, मैं जो है वो इग्नो के स्टूडेंट्स को या जो स्टूडेंट्स BCA MCA कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, उनको कोचिंग देती हूँ, ऑनलाइन कोचिंग देती हूँ. तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8264245926. अगर आपने BCA के आप स्टूडेंट हो, PGDCA या MCA के हो, और आप जो है वो किसी भी कोर्स के ऊपर
कोचिंग लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। वैसे 1 मंथ क्रैश कोर्स एल्गोरिदम्स के ऊपर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट इज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। दिस टाइप ऑफ रियल टाइम सिस्टम हैव फ्लेक्सिबल टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मीडिया सिस्टम है, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, जिसमें टाइमिंग्स जो हैं वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट इज फर्म रियल टाइम सिस्टम। इन स्पाइट ऑफ इट्स स्मॉल इम्पैक्ट, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैव टू फॉलो डेडलाइन एज वेल, कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें इतने ज़्यादा डेडलाइन का इश्यू नहीं है, मीन्स इसमें जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और थोड़ा सा आप कह सकते हो इसमें टाइम को ध्यान में रखा जाता है। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। पेपर में आपको जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है, इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। राइट, तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, लाइट वेट। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। राइट, नेक्स्ट इज हाई परफॉर्मेंस। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फास्ट हैं और रिस्पॉन्सिव हैं, मीन्स कि जिस चीज़ के बारे में आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें लो प्रायोरिटी प्रोसेस को पीछे करके हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये जो है इसकी जो स्पेशलिटी है, इसका जो फीचर है वो ये है दैट इट इज प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। नेक्स्ट इज टाइमिंग इंफॉर्मेशन। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टाइमिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो जो क्रिटिकल टास्क हैं वहाँ पे उनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दे आर हाईली सिक्योर सिस्टम बिकॉज दे आर यूज इन क्रिटिकल सिस्टम। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया है, या आप इसको एक दो बार रिपीट करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ इसके डिज़ाइन इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करूँगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर फीडबैक।